प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मौजूदा कामयाबी का हिस्सा बन सकते हैं और बीजेपी के नेता उनको श्रेय दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं नेहरू और इसरो की स्थापना को याद दिला सकती है? क्या गलत है इसमें भाई? कांग्रेस पार्टी नेहरू और इसरो की स्थापना का श्रेय अगर ले रही है तो उसमें गलत कहां, हम कहां गलत बोल रहे भाई? अरे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अंजना जी, जलन किस बात की है? मैं कितनी बार कह चुका हूं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, ये सब कांग्रेस काल में ही स्थापना हुई है। गति कम थी, स्केल कम था। पिछले 9 वर्षों में हमने बस ये किया कि गति और स्केल को बढ़ा दिया और बहुत ज्यादा बढ़ाया, व्यापक विस्तार किया। ये होता है एक नेतृत्व की सोच और उसकी प्रतिबद्धता देश के प्रति। तो इसमें जलन क्यों हो रही है भाई? आप ये देखिए कि आज हम चंद्रयान 3 उतार रहे हैं वहां पे, तो ये पूरे देश का सम्मान है। ये कोई बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं है। इसमें जो बीजेपी कांग्रेस को घुसाया उसने तो देश क्यों नीचा दिखाया, हमारा तो स्पष्ट मानना है। अब स्केल और ये एक्सेलरेशन ये कैसे आता है, ये मैं बस बताता हूं आपको। 2014 में मोदी जी आए, आज 2023 है। 2 साल तो हम कोरोना के कारण कुछ कर ही नहीं पाए, सारा प्रोग्राम बाधित हुआ। अब जहां पे हमारा स्पेस सेक्टर का बजट होता था 5,625 करोड़, उस बजट को आज हम बढ़ा के ले आए हैं 12,443 करोड़, मतलब 2.5 गुना ज्यादा। ये होता है स्केल में परिवर्तन। एक्सेलरेशन क्या हमने बढ़ाई, इसरो की लॉन्च रेट होती थी पर ईयर 2014 के पहले 1.2, मतलब स्पेस मिशन भेजने का हमारा रेट था 1.2, आज उस स्पेस मिशन को भेजने का रेट है 5.7, मतलब कितना, 4 गुना से ज्यादा। ये होती है गति। सैटेलाइट इसरो ने जितने लॉन्च किए थे 2004 के पहले, 14 के पहले मात्र 4, आज 14 के बाद हम 14 सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। 140 स्टार्टअप खुल चुके हैं 2020 में, जब से नीति आई कि स्पेस सेक्टर को प्राइवेट मार्केट के लिए खोला जाएगा, हम 140 स्टार्टअप खोल चुके हैं। सोचिए कितने इंप्लॉयमेंट बढ़े। अगर हम कहते हैं कि पिछले 3 सालों में 603 स्टूडेंट साइंटिस्ट बने हैं जो आज इस चंद्रयान 3 का मिशन है, जिसमें बिहार के भी 3 लोग हैं, तो क्या ये सुन के एक देशवासी का, एक बिहार के लोग का छाती गर्व से नहीं फूलना चाहिए? इसमें ये घटिया राजनीति लाने की जरूरत क्या है? आज अगर हमारा देश ये कहता है कि भाई चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाले हम पहले देश हैं और चांद पे उतरने वाले हम 4th देश हैं, तो क्या ये हर भारतीय को गर्वान्वित नहीं करता है? तो फिर इसमें राजनीति लाने की जरूरत क्या है? आप हर चीज में राजनीति, आपकी नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि आप हर चीज में राजनीति ला रहे हैं। अगर आज हम ये कहते हैं अंजना जी कि चांद से, पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 3,74,800 कुछ किलोमीटर है और इस पूरे मिशन में हमारा 615 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जो कि चंद्रयान 2 से भी कम है, चंद्रयान 2 में 860 करोड़ खर्च हुए थे, तो अगर कॉस्ट पर किलोमीटर जोड़िए ना, तो 16 रुपए प्रति किलोमीटर आता है। हम लोग आपके स्टूडियो में आते हैं, जो गाड़ियां आपकी स्टूडियो में रहती हैं वो भी 20-22 रुपए पर किलोमीटर आजकल चार्ज कर रही हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकल, और इससे फायदा क्या होगा? अजय वर्मा जी, इतने बड़े सोर्सेस ऑफ इनकम खोल रहे हैं, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज खोल रहे हैं अजय वर्मा, और एक के बाद एक भारत अगर प्रगति कर जा रहा है, आज अमेरिका अगर हमसे टेक्निक मांग रहा है, तो जलन किस बात की? देश आगे बढ़ रहा है तो किस बात की जलन? ये तो सबका देश है, किस खाली भारतीय जनता पार्टी का देश है क्या? लेकिन हमारे विपक्ष की दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार से पूछा जाता है कि चंद्रयान क्या है, तो क्या हुआ, कब हुआ, इधर उधर देखने लगते हैं। कांग्रेसी बोलने लगते हैं चंद्रयान के साथ आदमी भी गए थे, ये भी नहीं पता है। ममता बनर्जी बोलने लगती है कि चांद पे उतरने वाला पहला व्यक्ति का नाम राकेश रोशन था, पता नहीं कौन सी पिक्चर देखी राकेश रोशन की। तो ये तमाम तरह के विरोधाभास, मुझे तो हंसी आती है कि बात पे हम लोग डिबेट भी कर रहे हैं। हर भारतीय को शर्म आएगी कि अजय जी सुनिए, अरे ऐसी तंगदिली भी क्यों दिखानी है? आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक के तौर पर बैठे हैं, ऐसी तंगदिली क्या दिखानी है? अगर इसरो के स्थापना को लेकर आप नेहरू को श्रेय दे सकते हैं, तब विज्ञान ने जो हासिल किया उसका श्रेय नेहरू जी को जा सकता है, तो फिर आज एक बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दे देते, अपनी जो जानकारियां देनी है वो तो देते ही रहिए, ऐसी तंगदिली क्या दिखानी है? समर्थक नहीं मैडम, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी हूं और नेता भी हूं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ जिना जी, अभी मेरे भाई अजय जी कह रहे थे उस वक्त चंद्रयान 2 मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जब ये लोग अपनी उपलब्धियों की जगह सारी चीजें, भाई वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। इसरो को बधाई सबने दी, हमारे सारे नेताओं ने भी वैज्ञानिकों को बधाई, कोई डाउट नहीं है, उस वक्त भी थी, आज भी थी, कल भी थी। आपको विशेष चीज आपने देखी हो
जिस वक्त चंद्रयान लैंडिंग इसरो का यूट्यूब पर 73 लाख लोग देख रहे, और जैसे ही प्रधानमंत्री वहां से जुड़ा ब्रिक्स तो 13 मेरे हाथ में फोन है, इसमें देख लीजिए कि 29 लाख लोग, 29 लाख लोग छोड़ चुके थे उसी 10 मिनट के अंदर। आखिर क्यों? मैं इसमें इसके लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उन्हें आप करने दीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको फोटो, आप सम्मानीय हैं, आप संवैधानिक पद पर हैं। 25 किलो अनाज के थैले पर आपका फोटो जाएगा, पेट्रोल पंप के हर गली मोहल्ले पर सड़कों पर आपका फोटो लगेगा, खाने के थैले पर आपका फोटो लगेगा। तो हमने मांग की थी कि जब कोविड की वैक्सीन पे आपका फोटो छपा था तो जो सर्टिफिकेट कोविड के डेथ के मिल रहे थे, 50 लाख लोग मरे थे, उसमें भी आप फोटो छपाइए ताकि लोगों को याद रहे कि आपके कार्यकाल में लोग उनकी डेथ हुई थी। तो आप ये जनता के टैक्स के पैसे से चंद्रयान 3 सफल होने के लिए गया, दक्षिणी ध्रुव पर पहला कदम भारत ने रखा 12 कंट्रियों में, अब तक करीब 141 जो है मिशन ये हो चुके हैं 12 कंट्रियों के। आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, आपको वैसे तो पता है अंजना जी, लेकिन उसमें से 59 विफल रहे हैं और 69 सफल रहे हैं, और 5 जो है आंशिक रूप से सफलता मिली है। और हमारे भारत के जो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 था, अब मैं कहने लगूं साहब कि 1969 में, वो तो पूरे देश को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की थी, भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन की। उसके बाद जब राजीव गांधी साहब थे, जब इंदिरा जी थी तो आर्यभट्ट भेजा, आपके चैनल ने भी दिखाया, राकेश शर्मा जी गए थे आंतरिक में, प्रथम यात्री थे, इंदिरा जी ने भी बात की थी। चंद्रयान 2 में तो मनमोहन सिंह जी ने कोई भी इवेंट नहीं करा था जब भेजा था, और पानी की खोज की गई थी जब भेजा गया था। चंद्रयान 1 में 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, चंद्रयान 2 जब 19 में भेजा गया था वो विफल हुआ, इसमें भी हमने ये कुछ नहीं कहा था। चंद्रयान 3 सफल हुआ है, तो अंजना जी इसमें आपका योगदान, इसमें हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का योगदान। सरकार मेरी हो, आपकी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, अन्य की हो, सरकार जिसकी होगी तो नेचुरल है उसके अंडर में तो सारे डिपार्टमेंट। जवाब दीजिए इसका अजय आलोक जी जवाब दीजिए। लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी, आपने अपने राजस्थान के मंत्री पर कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने बधाई संदेश दे दिया कि जो पैसेंजर गए हैं चंद्रयान 3 पर, उनको उन्होंने बधाई संदेश दे दिया, मंत्री हैं राजस्थान। मैं केवल बता रहा हूँ, चंद्रमा पर केवल नील आर्मस्ट्रांग के बारे बार जो है अमेरिका ने केवल आदमी भेजा है, और अब हम उम्मीद करते हैं, अगर गति, अजय आलोक जी भाई हैं, अच्छे वक्ता हैं, और अभी चूंकि नए नए प्रवक्ता बन के गए हैं बीजेपी में, मैं समझता हूँ गलत जगह चले गए, हमारे यहाँ आ जाएंगे कुछ दिनों बाद 2024 में, मेरे दोस्त हैं, भाई भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगला अनुरोध मैं प्रधानमंत्री जी से और वैज्ञानिकों से ये अनुरोध करूंगा कि भारत जब विश्व शक्ति बन रहा है तो हमें भी चंद्रमा पे कोई आदमी इस अगले मिशन में भेजना चाहिए, ताकि हम भी उस पावरफुल अमेरिका के मुकाबले भारत। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मैं अजय जी को बस एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे स्टेटमेंट नहीं है, माधवन नायर थे एक इसरो के पूर्व प्रमुख, उन्होंने कहा कि 2012 में चंद्रयान 2 लॉन्च करने की स्कीम थी, लेकिन सरकार के कारण हमें वापस अपने पैर खींचने पड़े। क्या यह सरकार की विफलता आप नहीं मानेंगे? अगर सरकार प्रोत्साहित नहीं करेगी, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में धन और संसाधन उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तो क्या यह सरकार की विफलता नहीं है? अगर आज हम मोदी जी के लिए कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने ऊर्जा दी इसरो को कि तुम काम करो, मैं पीछे खड़ा हूं, 2021 कोरोना काल के बावजूद 2 साल शिथिलता, कोई काम नहीं हुआ, उसके बावजूद चंद्रयान 3 के लिए मोदी जी ने सारे संसाधनों को उपलब्ध करवाया, बजट 5,500 करोड़ से 12,500 करोड़ किया, तो क्या यह सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिखाती है कि हम अंतरिक्ष में नया करना चाहते हैं? जिस इसरो से आज तक 1 रुपया नहीं कमाते थे, ठन ठन गोपाल, खाली पैसा जाता था इसरो में, आज वो इसरो 3,300 करोड़ कमा के दे रहा है, तो क्या यह इसरो की उपलब्धि नहीं है? अपनी वैज्ञानिक शक्तियों को अगर हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर हमारे वैज्ञानिक आगे कहां से बढ़ेंगे? नए वैज्ञानिक कैसे निकलेंगे? जम्मू कश्मीर से वैज्ञानिक निकल के आ रहे हैं जो चंद्रयान 3 में है, क्या यह भारत की उपलब्धि नहीं है? मतलब साहब, आप तो चीन हो गए ना, आप तो चीन हो गए। आज न्यूयॉर्क टाइम्स तारीफ कर रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान का डॉन तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं, एक देश ने तारीफ नहीं की है तो वो चीन। अजय जी, छोटा सा जवाब नहीं निकल रहा, उसी तरह कांग्रेस तारीफ नहीं कर रही। अब नेहरू युग इंदिरा युग से निकलिए भाई, अब मोदी युग है, नेहरू युग इंदिरा युग से निकलिए बाहर। छोटा सा जवाब, गति से बढ़ना है, कांग्रेस बीजेपी का फुटबॉल गेम बन के रह जाएगा। जल्दी से बताना चाहता हूँ आलोक जी, सुन लीजिए, 405 आंतरिक शहर के एक भारत की सेना को हम हमेशा सलाम करते हैं, 2013 में क्या कहा था और आपके मुख्यमंत्री आसाम ने क्या कहा था, अभी सुन लीजिए, 4057 किमी
सीमा पर चीन को रोकने हेतु 2013 में 90,274 सैनिकों हेतु माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठित किया था और चंद्रयान 3 की खत्म कर दिया। नहीं, आर्मी भी चंद्रयान के कनेक्टेड थी। तो आप यहाँ बैठ कर झूठी, आप पढ़े लिखे आदमी है, झूठी सेखी अगर बगाड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माधवन साहब का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था।